और सबसे पहले इस वक्त एक जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, 2024 का चुनाव कन्नौज से लड़ूंगा अखिलेश यादव ने कहा है। जहां से पहला चुनाव लड़ा वहीं से ये चुनाव मैं लड़ूंगा। आपको बता दें कि अपनी सियासी पारी की, सियासी सफर की जो शुरुआत है वो अखिलेश यादव ने कन्नौज से ही की थी। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और ये बहुत बड़ा दाव है। अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इधर उत्तर प्रदेश में गुंडे और बदमाशों से निपटने के लिए खाकी वर्दी इस वक्त धनाधन एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रही है। नोएडा पुलिस और सुल्तानपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। बदमाशी की नहीं खैर पुलिस से मुठभेड़, गुंडों पर वार तगड़ा, जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देखिए। ये बदमाशों और गुंडों को पुलिस का करारा जवाब है। ये चेतावनी है अपराधियों को कि थाने में समर्पण कर दें, नहीं तो हाल ऐसा ही होगा। पहली तस्वीर नोएडा की है जहां पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक कुख्यात बदमाश को गोली मारी है। दूसरी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की है, सुल्तानपुर जिले में ताबड़तोड़ एनकाउंटर में 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। तीसरी तस्वीर हरियाणा के बहादुरगढ़ की है जहां पुलिस के शिकंजे में 3 शार्प शूटर आए हैं। सबसे पहले आपको नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में बताते हैं। मॉर्निंग वॉक पर घूमने गए एक शख्स से लूटपाट करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के सेक्टर 15 के पास मॉर्निंग वॉक पर घूमने आए एक शख्स से बदमाश मोबाइल छीनता है और फरार हो जाता है, लेकिन मौके पर ही उसका सामना नोएडा पुलिस से हो गया। खुद को खाकी की टीम के बीच घिरा देखकर बदमाश पुलिस के ऊपर गोलियां बरसा देता है। पुलिस भी मोर्चा संभालती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है और इसी बीच पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में पैवस्त हो जाती है और जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा पुलिस की तरह सुल्तानपुर पुलिस ने भी गुंडे बदमाशों पर शिकंजा कस दिया है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। सुल्तानपुर जिले में बीती रात 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये तस्वीरें उसी मुठभेड़ के दौरान की हैं। पुलिस एनकाउंटर में 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक तरफ 50,000 रुपए की लूट के आरोपी धरे गए हैं तो दूसरी तरफ गौवंश तस्करों के गैंग के कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। रोकने का प्रयास किया तो मुठभेड़ में वो फायरिंग करने लगे और इधर से पुलिस से भी जवाबी फायरिंग की गई और फायरिंग में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। शेष 3 अभियुक्त और थे, उनको दौड़ा के पकड़ लिया गया है। हरियाणा की बहादुरगढ़ पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस की CIA टीम ने काला सहवास गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तीनों शार्प शूटर्स गैंगस्टर प्रदीप कासनी को मारने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए आरोपियों से 3 पिस्टल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिजनौर में कल दिन दहाड़े कत्ल की वारदात का CCTV फुटेज अब सामने आ चुका है। BBA छात्र को सड़क पर गोली मारने वाले इस वीडियो ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया है। वो वीडियो आपको भी देखना चाहिए। बिजनौर में कत्ल की खौफनाक वारदात। दिन दहाड़े BBA छात्र को गोली मारी। CCTV में कैद लाइव मर्डर की तस्वीर। CCTV की इन तस्वीरों में कत्ल की सनसनीखेज वारदात कैद हो गई है। गुंडई और दबंगई की कहानी कैद है। एक छात्र को UP के बिजनौर में दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। ये तस्वीरें बुधवार की हैं।
कृष्णा कॉलेज का छात्र श्रामिक अपनी एक दोस्त के साथ कॉलेज के बाहर निकला था। एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के बाद सड़क पर पैदल चल रहे थे, लेकिन कॉलेज से कुछ दूरी पर कुछ लोग श्रामिक को मौत के घाट उतारने के लिए घात लगाए बैठे थे। अचानक हेलमेट लगाए हुए एक बाइक सवार ने पैदल चल रहे श्रामिक पर गोलियां बरसा दी। पहली गोली छात्र के पैरों में लगी, दूसरी बार की गई फायरिंग में गोली छात्र के सीने में जा धंसी। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर श्रामिक के साथ चल रही दोस्त बदहवास होकर भागने लगी। श्रामिक भी अपनी जान बचाने के लिए कॉलेज की तरफ दौड़ा, लेकिन कॉलेज के गेट के सामने ही गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद हमलावर फरार हो गया। पूरे इलाके में दहशत मच गई है, चारों ओर चीख पुकार मच गई। पुलिस की माने तो जिस छात्र को मौत के घाट उतारा गया, उसका भाई पिछले एक साल से जेल में बंद है। पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश के तहत जोड़कर देख रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद छात्र के शव को परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद छात्र का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। फिलहाल हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चार टीमों का गठन किया है। आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आगरा में भी आप देखिए, रेलवे स्टेशन में आज भारी बवाल कटता हुआ दिखा। रेलवे अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में S8 कोच लगाना ही भूल गए, और इसी के चलते फिर आप देखिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की सुबह यात्रियों ने जमकर हंगामा काट दिया। आगरा में गुस्सा आए पैसेंजर बवाल स्टेशन के अंदर। बिन बोगी के ट्रेन यात्रियों को हुआ पेन। रेलवे स्टेशन में हंगामे की इन तस्वीरों को देखिए। रेलवे स्टेशन में एक बवंडर आया है, अफरा तफरी का माहौल है। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, सबके चेहरे गुस्से से लाल हैं। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की है, जहां रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में S8 कोच लगाना ही भूल गए। इसके चलते आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की सुबह यात्रियों ने जमकर हंगामा काटा। निजामुद्दीन से एर्नाकुलम को जाने वाली मंगला एक्सप्रेस को स्टेशन पर ही रोक लिया गया। आधे घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही। दरअसल कुछ यात्रियों को S8 कोच में बैठना था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकने के बाद उन्होंने S8 कोच देखा, लेकिन पैसेंजर को कोच ही नहीं मिला। यात्री परेशान होकर इधर उधर भागने लगे कि तभी ट्रेन चलने लगी। यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया और फिर हंगामा शुरू हो गया। दूसरे डिब्बों में बैठे S8 के यात्री भी उतर आए और फिर स्टेशन पर जोरदार अफरा तफरी मच गई। रेलवे के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे, यात्रियों को समझा बुझाकर शांत किया गया। उनके ट्रेन में बैठने की व्यवस्था की गई और इसके बाद ट्रेन रवाना हुई। जिन यात्रियों की पहले कंफर्म बुकिंग थी, उन्हें बाद में RAC कर दिया गया। ट्रेन तो आगे बढ़ गई, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही की पोल खुल गई। फिलहाल अब रेलवे प्रशासन दलील दे रहा है कि अगस्त महीने से ही ट्रेन में S8 कोच हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृतसर में बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हैं। CCTV में ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं कि अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बीच सड़क पर एक शख्स से बदमाश उसकी स्कूटी छीनकर फरार हो जाते हैं और वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें खौफ की हैं, ये तस्वीरें दहशत की हैं, ये तस्वीरें कानून के गाल पर तमाचा हैं। ये तस्वीरें गुंडे बदमाशों के बेखौफ इरादों का तमाशा हैं। CCTV में कैद हुई ये तस्वीरें अमृतसर की हैं। CCTV में कैद हुए हर एक फ्रेम को जरा गौर से देखिएगा। देखिए कैसे बीच सड़क पर तीन युवक खड़े नजर आ रहे हैं। रात का अंधेरा है और इसी वक्त एक शख्स स्कूटी से आता है। सड़क पर खड़े तीन युवकों में से एक युवक स्कूटी के सामने खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि स्कूटी चालक कुछ समझ पाता, तीनों लड़के धारदार हथियार दिखाकर उसे स्कूटी से उतरने को कहते हैं। स्कूटी चालक घबरा जाता है, वो स्कूटी से उतर जाता है। फिर एक युवक उस स्कूटी पर सवार हो जाता है और अपने साथियों के साथ मौके से रफू चक्कर हो जाता है।
पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को तलाश कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों ने अमृतसर में दहशत मचा दी है, लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। बता दिया है कि अमृतसर में गुंडे बदमाशों के बीच ना तो कानून का डर बचा है और न ही उन्हें खाकी वर्दी की फिक्र। अब इन तस्वीरों को देखिए, कानपुर से सामने आई इन तस्वीर में एक शख्स सरेआम तमंचा लहरा रहा है। पहले शख्स तमंचा लहराता है और फिर फायरिंग कर देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद कानपुर पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर सूरत के महिदरपुरा इलाके से 22 नवंबर की रात को चुनाव आयोग ने इनोवा कार से 75 लाख रुपए बरामद किए थे और अब देखिए उसी जगह का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में एक कांग्रेस नेता भागता हुआ नजर आ रहा है। कौन है ये कांग्रेस नेता और क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। गुजरात के सूरत से सामने आए इस सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज उस जगह का है जहां से चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने एक कार से 75 लाख रुपए बरामद किए थे। इस सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है वो कांग्रेस नेता है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है, इस बीच चुनाव आयोग की टीम लगातार कैश जब्त कर रही है। सूरत के महिदरपुरा इलाके में 22 नवंबर की रात को चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने इनोवा कार से 75 लाख रुपए बरामद किए थे। जिस जगह से लाखों रुपए पकड़े गए वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो इस वीडियो में कांग्रेस नेता बीएन संदीप पकड़े जाने के डर से भागते हुए नजर आए। महिदरपुरा इलाके की जदाखाड़ी मोहल्ले में जिस जगह इनोवा कार से रुपए मिले थे उसी जगह का ये सीसीटीवी है जिस इनोवा से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई थी। आपको बता दें कि उस कार से बीएन संदीप के नाम का वीआईपी पार्किंग पास भी बरामद हुआ था। इनोवा कार से उदय गुर्जर और कार के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। फिलहाल मामले में आयकर विभाग की टीम बरामद पैसे का हिसाब किताब कर रही है और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद वो कांग्रेस नेता बीएन संदीप से भी पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में विधानसभा का चुनाव है और देखिए चुनावी माहौल के बीच लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला यहां से सामने आया। सूरत के कॉलेज में लव जिहाद की साजिश रचने वाले 3 मुस्लिम छात्रों की पिटाई कर दी गई। रिपोर्ट देखिए, कॉलेज कैंपस में हंगामे की ये तस्वीर देखिए। कुछ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, किसी पर घूंसे बरस रहे हैं तो किसी को घसीटा जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो सूरत के भगवान महावीर कॉलेज का है जहां लव जिहाद के आरोप में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 3 मुस्लिम छात्रों को कॉलेज कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन मुस्लिम छात्रों पर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद करने का आरोप है। हालांकि छात्रों के साथ मारपीट को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि कॉलेज के कई मुस्लिम छात्र प्लानिंग के साथ हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में स्टिंग ऑपरेशन किया और फिर 3 आरोपी स्टूडेंट्स की पहचान कर उनके साथ जमकर मारपीट की। वीएचपी नेता दिनेश नावड़िया ने कहा कि मुस्लिम लड़के फर्जी नामों से हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर भी जाल बिछाते हैं, लेकिन चुनावी मौके पर सूरत के कॉलेज में मुस्लिम छात्रों से मारपीट का मुद्दा गर्म हो सकता है और लव जिहाद के मुद्दे पर सियासत तेज हो सकती है। इससे पहले भी गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का आक्रोश देखने को मिल चुका है। करीब 2 महीने पहले हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैराथन रैली। पालनपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5P वाला मंत्र दिया।
5P का मतलब बताया, पर्यटन, पर्यावरण, पशुधन, पानी और पोषण। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में इस वक्त बीजेपी के दिग्गज, देश के प्रधानमंत्री और भी क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। शिक्षण हमारा आरसीना बा तो कहीं खूटे ज नहीं एटलू बधु छे, पण आजे पालनपुर आयो छु तो मारू ध्यान 5 पग ऊपर जाय छे, एटली ज वात करू, लांबी ना करू, चाले ने। पालनपुर में आयो छु तो पालनपुर नो पण बीजा 5 पग, अने आ 5 पग पर जे मारे वात करवी छे, पर्यटन, पर्यावरण, पाणी, पशुधन अने पोषण। हूँ विकसित गुजरात नी जारे वात करवा आयो छु त्यारे साथियों, खाली वा 5 मुद्दा ने अना एवा मुद्दा छे कि जरा कदाच चूंटणी नी चर्चा में ज नहीं आया हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिहार के सिवान से आई एक अजगर की दहशत भरी तस्वीर हम दिखाते हैं, जिसने एक गांव में खौफ का पूरी तरीके से माहौल बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कोटा में पिछले 7 दिनों से जिस पैंथर को पकड़ने की कोशिशें चल रही थी, उस पैंथर का आखिरकार रेस्क्यू कर दिया गया। अजगर की दस्तक, गाँव में छाई दहशत, खत्म हुआ डर, पकड़ा गया पैंथर। ये तस्वीरें खौफ की है, ये तस्वीरें दहशत की हैं। एक तस्वीर में 15 फुट लंबा अजगर है, दूसरी तरफ 7 दिनों तक आतंक का पर्याय बन चुका पैंथर है। ये तस्वीरें बिहार के सिवान की है। 15 फुट लंबे विशालकाय अजगर ने गांव वालों को डरा दिया है। सिवार मझवलिया गांव में अचानक एक अजगर निकला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के पास झरनी नदी के किनारे इस विशालकाय अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। गांव वालों ने अजगर को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। अजगर झाड़ियों में गया और थोड़ी देर में ही आंखों से ओझल हो गया। गांव के बाहर इतने बड़े अजगर के निकलने से गांव के लोग डरे हुए हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं ये अजगर गांव में प्रवेश न कर जाए। फिलहाल जिस नदी के किनारे ये अजगर निकला है, वहां जाने से लोग कतरा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। राजस्थान के कोटा में पिछले 7 दिनों से दहशत का पर्याय बन चुके इस पैंथर को आखिरकार पकड़ लिया गया है। कोटा शहर के नांता महल में पिछले 7 दिनों से वन विभाग को ये पैंथर छका रहा था, लेकिन आखिरकार बुधवार देर रात इस पैंथर का रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने उस वक्त पैंथर को अपने जाल में फंसाया जब पैंथर पानी पीकर लौट रहा था। वन विभाग की टीम ने बड़ी सावधानी पूर्वक ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया और पैंथर कब्जे में आ गया। पैंथर को पिंजरे में कैद कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। पैंथर को वन विभाग के लाडपुरा रेंज कार्यालय में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल इस पैंथर के पकड़े जाने के बाद से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। 7 दिनों से जिस पैंथर के चलते लोग घर में दुबके थे, अब उन्होंने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा ये हुआ है कि श्रद्धा के हत्यारे यानी कि आफताब ने श्रद्धा को मारने के लिए एक से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया था। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अब शुरू हो चुका है। खबर ये है कि आफताब मर्डर के हर राज उगल रहा है। खुलेंगे हत्या के राज, सच उगलेगा आफताब। जिहादी का मशीन से सामना, नार्को दिखाएगा आईना। 18 मई 2022, ये वो रात है जब आफताब और श्रद्धा की लव स्टोरी हॉरर स्टोरी में तब्दील हो गई और एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा के कातिल को यह लग रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। आफताब ने हर मुमकिन कोशिश की कि सभी को यह लगे कि श्रद्धा जिंदा है और उसे छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ छिपाए नहीं छिपता, और आखिरकार श्रद्धा की हत्या का आरोपी पकड़ा ही गया। पुलिस लगातार आफताब से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन आफताब लगातार जांच को भटकाने में लगा है, इसलिए उसका पॉलीग्राफ और नार्को कराया जा रहा है। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का आज पॉलीग्राफिक टेस्ट काफी अहम है। टीम के पास वो तमाम सवालों की लिस्ट मौजूद है जो न सिर्फ इस केस की जांच को आगे बढ़ाएगी बल्कि इस केस की गुत्थी को सुलझाने में भी मददगार साबित होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आफताब अपने पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान कौन सी बातें बताता है। आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट बुधवार को किया जाना था, लेकिन बुखार की वजह से आफताब की पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हो पाया। वहीं पुलिस ने उस डेंटिस्ट का भी बयान दर्ज किया है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल कराया था। 2021 सितंबर और अगस्त में उसकी ट्रीटमेंट यहीं पे हुई थी। उसको दांतों में पेन था, मल्टीपल ट्रीटमेंट हुई है, अराउंड 3 रूट कैनाल्स और कैप्स हुए हैं। इसके अलावा एक विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन भी उसका यहीं पे हुआ है। डेंटिस्ट के बयान से ये पता करने में मदद मिल सकती है कि जंगल में मिला जबड़ा श्रद्धा का है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।